इस केस में देखा जाए तो करेंटली टोटल टू वेरिएबल्स क्रिएट किए, वेरिएबल एक्स और वाई। प्रीवियस केस में एक्स वाई का वाई डिफॉल्ट टाइप था एज अ साइंड इंटीजर, बट हियर एक्स वाई डिक्लेयर्ड एज अनसाइंड इंटीजर। दोनों का टाइप क्या है? अनसाइंड इंटीजर। इन केस ऑफ क्वालिफायर अनसाइंड देयर इज साइज इज नॉट अल्टर्ड। दोनों ही केसेस में देखा जाए तो साइज क्या होगा, साइंड हो या अनसाइंड हो, दोनों ही केस में साइज क्या होगा इंटीजर का, 16 बिट्स कंपाइलर के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली 2 बाइट्स। अगेन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर 2 बाइट फॉर एक्स एंड 2 बाइट्स फॉर वाई। अनसाइंड के केस मैंने शो किया था, अनसाइंड के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर स्टोर करना पॉसिबल, साइंड के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर स्टोर करना पॉसिबल। मीन्स मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेमोरी में जब भी डेटा स्टोर करो, मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन साइंड और अनसाइंड दोनों ही केस में बाइनरी नंबर एग्जैक्टली सेम स्टोर होंगे। रियल में वैल्यू क्या डिस्प्ले होगा, साइंड और अनसाइंड ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होंगे, डिपेंड्स अपॉन मॉडिफाई एक्सिस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी के थ्रू किसी भी टाइप के वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करा, चाहे वेरिएबल साइंड हो अनसाइंड। परसेंट डी से डेटा में साइंड फॉर्मेट डिस्प्ले हुआ, परसेंट यू के केस में डेटा हमेशा अनसाइंड फॉर्मेट में डिस्प्ले हुआ। फर्स्ट केस में एक्स में असाइन किया -1, एज वी नो व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ -1, -1 इज इक्वलेंट टू 16 टाइम्स 1। -1 इज इक्वलेंट मीन्स -1 का बाइनरी नंबर जब 16 बिट्स में असाइन कराएंगे तो इसका इक्वलेंट बाइनरी क्या है, 16 टाइम्स 1। इन दैट केस जैसे डेटा इस रियल में देखा जाए तो करेंटली एक्स का टाइप क्या है, अनसाइंड, और अनसाइंड के अकॉर्डिंग कभी भी नेगेटिव नंबर से स्टोर कराना पॉसिबल नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको नेगेटिव नंबर को साइन कराओगे इन केस ऑफ अनसाइंड, तो इसका सेंस किसके इक्वलेंट, इट इज इक्वलेंट टू अगेन सेम केस, साइंड में रिप्रेजेंट करोगे अनसाइंड मीस यार, अगर साइंड में रिप्रेजेंट करो साइंड में इसका इक्वलेंट वैल्यू क्या है, -1, और अनसाइंड में इक्वलेंट वैल्यू क्या होगा, 65,535। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस एग्जाम्पल्स। सिमिलरली वाई, वाई के केस में साइन कराया गया है 65,535। ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में चेक किया था 65,535 का भी बाइनरी क्या आता है, ऑल्सो 16 टाइम्स 1, मीन्स -1 यूज करें 65,535 यूज करो, दोनों ही केसेस में बाइनरी नंबर्स कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम। अगेन इस केस में आसान क्या होगा, 111 ऑल टाइम्स 1, दोनों ही केसेस में डिफरेंस क्या है, अनसाइंड के रिस्पेक्ट में सारे बिट्स कंसीडर होंगे डेटा बिट्स, इसलिए जब भी इसका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कराएंगे बाइनरी टू डेसिमल डायरेक्टली कन्वर्जन परफॉर्म विदाउट टेकिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। जब सेम केस में एक्स वाई का साइंड रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराओ यूजिंग परसेंट डी, इस केस में रिक्वायर्ड क्या, साइंस केस में फर्स्ट बिट कंसीडर होगा या साइन बिट, इसलिए रिक्वायर्ड क्या टूस कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इन फर्स्ट केस प्रिंट परसेंट डी के थ्रू डेटा डिस्प्ले कराया, परसेंट डी के केस में डेटा डिस्प्ले हुआ आफ्टर टूस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद अप्लाई क्या करेंगे -1, इसलिए इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा दोनों केसेस में -1, -1, देयरफॉर आउटपुट इज ऑल्सो डिस्प्लेड एज -1, -1। परसेंट यू के अकॉर्डिंग एक्स के सारे बिट्स कंसीडर होंगे जो डेटा बिट्स, सेम एज वाई के भी सारे बिट्स कंसीडर होंगे डेटा बिट्स। आपने आसान क्या कराया, डजंट मैटर, इस मेमोरी में डेटा क्या स्टोर हुआ उसके बेसिस पर प्रीवियस रूल्स को फॉलो करके कन्वर्जन परफॉर्म करें। तो दोनों केसेस में इनका इक्वेलेंट अनसाइंड कन्वर्जन क्या है, 65,535 इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम।